आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आपसे सेंट्रल अमेरिका में बसी एक नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई कंट्री बेलाइज के बारे में बात करूंगा, जो कि पूरी दुनिया में दोस्तों अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शांतमयी जीवन जीने के लिए भी जानी जाती है। यहाँ की कैपिटल सिटी बेलमोपन और दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है बेलाइज सिटी। बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगने वाला ये देश कुल मिलाकर फैला है 22,966 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और दोस्तों इस एरिया में आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी 4,20,000 लोगों की। और वहीं अगर हम बात करें पूरे देश के एरिया में पानी की परसेंटेज की, तो वो है 0.8%। और साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, यानी भीड़ भाड़ की समस्या आपको बेलाइज देश में रहते हुए बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। तरक्की में दोस्तों बात करनी हो तो एसटीआई पर सबसे पहले फोकस जाता है। आज के दिन इस कंट्री का एसटीआई का लेटेस्ट स्कोर है 0.716 और ये आता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। और इस कंट्री की रैंकिंग एसटीआई के मामले में पूरे वर्ल्ड में है नंबर 110 की। तो रहने के मामले में ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देश है। पूरे देश की पॉपुलेशन में दोस्तों रिलीजन की बात करें तो 64% लोग यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, तो वहीं 26% लोग दोस्तों यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी ये पूरी तरह से डोमिनेटेड कंट्री है क्रिश्चियंस के द्वारा। पूरे देश में चलने वाली करेंसी का नाम है बेलाइज डॉलर। और आज के दिन ये करेंसी इंडियन करेंसी के सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित होती है। और बेलाइज का एक डॉलर ही हमारे इंडिया के तकरीबन 37 रुपए के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही खास इंटरेस्टिंग और कमाल के देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना और कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। आज के दिन दोस्तों जिस देश को हम बेलाइज के नाम से जानते हैं, पहले इसे ब्रिटिश हॉन्ड्रस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर बेलाइज किया गया। इस देश का दोस्तों बॉर्डर मेक्सिको, ग्वाटेमाला और साथ ही हॉन्ड्रस देश के साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, यानी इन कंट्रीज़ के साथ ही अपने बॉर्डर को शेयर करता है। खूबसूरती के मामले में इस देश में 4 चांद लगे हुए हैं। टूरिज़्म के लिए ये सही में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की कंट्री बन सकती है, अगर गवर्नमेंट टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करे। बेहद ही साफ ब्लू वाटर के साथ साथ दोस्तों आपको कमाल का नज़ारा चारों तरफ बेलाइज में देखने को मिलेगा। बेलाइज के दोस्तों अक्सर लोग गुड फ्राइडे के दिन ना बिल्कुल भी समंदर या फिर नदियों में आपको नहाते हुए तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। और बेहद ही ज़्यादा यूनिक और बेहद ही अलग लेवल की बात यह है कि यहाँ के लोग अक्सर अपने बच्चों को ये कहते रहते हैं कि कभी भी गुड फ्राइडे के दिन समंदर में बिल्कुल भी मत तैरना, वरना तुम मछली में बदल जाओगे। तो ये एक तरह का यहाँ पर आपको अंधविश्वास नज़र आएगा। वैसे तो पूरे देश में बोली जाने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के ऊपर यहाँ के लोग डिपेंड है। यहाँ पर लोग क्रियोई, स्पेनिश और दोस्तों जर्मन भाषा बोलते हुए भी आपको अक्सर कॉमनली ही नज़र आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में अगर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो दोस्तों आप किसी के साथ भी आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, हर साल 10 सितंबर को यहाँ पर नेशनल डे के तौर पर दोस्तों खुशी मनाई जाती है, और ये डे है सेंट जॉर्ज के डे के नाम से। असल में दोस्तों इस दिन 1798 के साल को स्पेनिश सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ से बाहर निकाला था, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार इस दिन दोस्तों हर साल खुशी मनाई जाती है। और ये दिन सही में यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। बेलाइज की इकॉनमी की बात करें तो इस देश की टोटल जीडीपी है 1.9 बिलियन US डॉलर। और इस तरीके से ये कंट्री इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में रैंक करती है नंबर 165 पर। और इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट है सिर्फ 2.1%, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देश है दोस्तों जीडीपी के मामले में। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि पॉपुलेशन कम है, इसलिए जीडीपी पर कैपिटा देखना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बेलाइज का दोस्तों आज के दिन जीडीपी पर कैपिटा है 4,815 US डॉलर, यानी काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों, बहुत ही बेकार तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह अव्वल दर्जे का हो चांस तो इसके भी हमें शुरू से ही नहीं थे। बात अगर जीडीपी सेक्टर्स की करें तो दोस्तों 64% इसकी जीडीपी आती है सर्विसेज के काम से, 23% जीडीपी आती है इंडस्ट्री एरिया से, और 13% जीडीपी पूरी तरह से कृषि यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी पूरी पॉपुलेशन का तकरीबन
55% हिस्सा तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के काम के ऊपर ही डिपेंड रहता हुआ नजर आएगा, यानी कृषि दोस्तों इसके विकास के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 11.1%। इतने लोगों को यहाँ काम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। वहीं पॉवर्टी इस देश में काफ़ी ज़्यादा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर लगभग 52% रेट है दोस्तों पॉवर्टी का, जो कि बेहद ही ख़राब है। हालांकि ये रिपोर्ट है दोस्तों 2012 के साल की, लेकिन लेटेस्ट जो लास्ट रिपोर्ट 2020 के आखिर की है उसके अनुसार दोस्तों यहाँ का पॉवर्टी रेट है तकरीबन 41.32%, जो कि दोस्तों यहाँ के बेहद ही गरीब लोग हैं और ये लोग यहाँ पर डेली 400 रुपये से भी आपको कम कमाते हुए नज़र आएंगे। ये देश बेहद ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने सिस्टमैटिक बिहेवियर के लिए। यहाँ पर लोग कभी भी आपको हड़बड़ाहट मचाते हुए नज़र नहीं आएंगे और लोग कहते हैं कि जब भी आपको कोई काम करना हो तो पहले से ही प्लानिंग अच्छी रखो, यानी प्लानिंग अच्छी रखते हैं दोस्तों यहाँ के लोग और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करते और ना ही दोस्तों यह किसी भी काम को करने से पहले उसे अपने ऊपर बोझ समझते हैं। वहीं अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 76.90%, यानी हर 100 लोगों के पीछे यहाँ आपको तकरीबन 77 लोग तो हाईली एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि वुमेन की एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। बात अगर फर्टिलिटी रेट की करें तो बिला इस देश का दोस्तों फर्टिलिटी रेट है 2.31 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला यहाँ एवरेज तौर पर 2 से 3 बच्चों को आपको जन्म देती हुई नज़र आ जाएगी। वर्ल्ड के एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी गरीब कंट्रीज़ की तरह वर्स्ट लेवल का तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यह देश और भी अच्छे से तरक्की करेगा। हालांकि क्राइम के मामले में दोस्तों इसकी ना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। लगातार 2016 के साल से यहाँ मर्डर की फिगर भी लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और दोस्तों सेफ्टी के मामले में ना ये अच्छा बहुत ज़्यादा देश तो बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह कि टूरिज़्म ना यहाँ बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। ये दुनिया का एक ऐसा अजीब सा देश है जहाँ पर आपको सड़कों पर रोड्स पर कोई भी रेड लाइट लगी हुई नज़र नहीं आएगी दोस्तों। दरअसल यहाँ के लोगों को ना रेड लाइट की बिल्कुल ही आदत ही नहीं है और बहुत सारे लोग तो जानती भी नहीं है कि आखिर रेड लाइट का रोड पर मतलब क्या होता है। अब आप ज़रूर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि भला फिर यहाँ पर ट्रैफिक कैसे रोका जाता है और लोग सिस्टमेटिक तरीके से गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं और कैसे रोड पर रोकते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आपको सड़कों पर लगे देखने को मिलेंगे। इनका माइंडसेट ये है कि रेड लाइट को देखकर तो कोई गाड़ी रोके ना रोके ये उसकी पर्सनल चॉइस बनती है, लेकिन बड़े स्पीड ब्रेकर को देखकर भी अगर कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकेगा फिर तो दोस्तों उसकी गाड़ी का ही नुकसान होगा। ये सोच आपको कितनी सही लगती है अब आप ही कमेंट में बताइए। माया एम्पायर यानी माया सभ्यता के बारे में दोस्तों शायद आपने कभी ना कभी कुछ सुना हो, जो कि बेहद ही ज़्यादा एडवांस लेवल की सभ्यता थी। दरअसल दोस्तों ये सेंट्रल अमेरिका की सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। तो ये थी दोस्तों बिलिस कंट्री की एक बेहद ही कमाल और ग्रेट वीडियो। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना। ऐसी वीडियोस हमें दोस्तों आपके लिए डेली लाते रहना है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।